तो गाइस अभी मॉर्निंग की हो रही है 7:08। तो अभी तो मौसम के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ आपको कैसा होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे ना मौसम के हाल ऐसे हो रखे है, ना वो धूप वाला हो रखा है ना ही वो बारिश वाला हो रखा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रश्मि नेगी स्वागत करती हूँ आपको हमारा यूट्यूब चैनल में। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र आवाज स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस अभी मॉर्निंग टाइम पे मैं और रश्मि जा रहे हैं घूमने के लिए थोड़ा इधर की साइड। वैसे मैं पहले आ चुका था, रश्मि नहीं आई थी उस समय, बट फिर रश्मि आ गई तो मैंने सोचा चलो फिर रश्मि के साथ ही स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो अभी मैं रश्मि चल रहे हैं, रॉक्सी आ रखी है हमारे साथ और वो तो आलसी कुत्ता हुआ है नहीं। ठीक है, और आज का मौसम आप देख रहे होंगे यार बैकग्राउंड में, ये देखो तो वहाँ पीछे बहुत खतरनाक हुआ, पर आज धूप खिलने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है, और होनी भी चाहिए क्योंकि रश्मि तो बिल्कुल ठंड से परेशान हो चुकी है ना रश्मि, इसके लिए धूप चाहिए, ये तो ठंड इसको कभी नहीं चाहिए। ठीक है, और हमें बर्फ चाहिए बस, सिर्फ ओनली बर्फ। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो और मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। अभी मॉर्निंग की हो रही है 9:30 और मौसम फिर चेंज हो चुका है, देखो फिर बादल लग चुके हैं आसमान पे, और फिर आप पता नहीं आगे क्या होता है, बाकी वो सारा आपसे शेयर होता रहेगा आगे वीडियो में। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ बकरियों में, और फादर जा रहे हैं मेरे लवली बाजार घूमने के लिए। ठीक है, कुछ काम है उनका यार, और अभी हो रही है मॉर्निंग की 10:10। ठीक है, और मौसम ने ना पूरी करवट चेंज कर ली है अपनी, क्योंकि पहाड़ों का मौसम कभी भी चेंज हो जाता है ये आपको पता ही होगा यार। सुबह धूप लगी थी, आपने देख रहे होंगे वीडियो में, है ना, अभी ना फिर मौसम ने करवट चेंज कर लिया, पूरा मौसम ना ब्लैक एंड ब्लू एंड वाइट तीन कलर का कॉम्बिनेशन हो रखा है, एक ब्लैक का, एक वाइट का एंड ब्लू का। तो मैं आपको दिखाता हूँ इन सारे कॉम्बिनेशन को, तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइज अभी थोड़ा धूप के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में, और मेरे सामने भी थोड़ा धूप के दर्शन होने लग गए हैं, पर नेचर का कोई भरोसा नहीं है कब चेंज हो जाए, है ना। तो अभी देखते हैं, मेरी प्लानिंग कहीं और जाने की थी, अगर कोई मेरा साथ आता है तो हम टॉप में चढ़ेंगे और टॉप से आपको नज़ारे दिखाएंगे, यहाँ चारों तरफ के नज़ारे देखेंगे और बहुत ही अल्टीमेट नज़ारे आज देखने को मिलेंगे। तो फाइनली मुझे मेरा दोस्त मिल गया है, अब मैं इसके साथ जा रहा हूँ इस पहाड़ को चढ़ के सीधा टॉप पे, टॉप को दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा करके। ये जो टॉप है ना ऊपर वाला, इस टॉप पे जा रहे हम दोनों, और वहाँ से जो नज़ारे देखने को मिलेंगे ना वो अल्टीमेट नज़ारे होने वाले हैं। ये हमारे ट्रैकिंग का रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के जाना पड़ रहा है, यहाँ पर देखते हैं कैसा कैसा देखने को मिलता है। यार आज इसका सपोर्ट है तो मैं वहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, वरना मैं बिना इसके सपोर्ट के वहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था वहाँ जाने में। इसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो इसकी सपोर्ट की वजह से मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो चल रहे हैं, अभी हम यहाँ पर बैठ रखे चोटी में दोनों के दोनों, और यहाँ नीचे जाने के बाद नीचे है हमारा अड्डा, वहाँ बैठते हम ज़्यादातर, पर आज हम ऊपर चलते हैं थोड़ा थोड़ा थक लग गई बहुत यार, अब यहाँ से और ऊपर चढ़ाई चढ़नी हमने। ठीक है, तो चलते हैं ट्रैकिंग का मज़ा लेते रहते हैं। ये वाली चोटी है वो, यहाँ पर पहुँचना है, और ट्रैकिंग का रास्ता हमारा यहाँ से होते हुए जाएगा वो इधर की तरफ और उस टॉप पे। गगवारसू वैली इतनी ज़बरदस्त लग रही है, क्या बताऊँ मैं आपको, बस थोड़ा सा टॉप और रह गया वो वाला, वहाँ पहुँचता हूँ
फिर वहीं मिलता हूँ आपको कैमरे पे। देखो वो पकड़ पकड़ के आ रहा है। आफ्टर वन मिनट मैं बस पहुँचने वाला हूँ, देख ही रहे होंगे चोटी पे। बाकी आप सीन देख ही रहे होंगे यार, ऐसे लग रहे हैं जैसे जन्नत में आ गए होंगे हम। फाइनली हम पहुंच चुके हैं टॉप पर, और यहां से आपको नज़ारे दिखाता हूं मैं चारों तरफ के। अभी मेन कैमरा निकालता हूं मैं, मेन कैमरे से आपको नज़ारे दिखाता हूं यहां से, अल्टीमेट नज़ारे देखने को। वाह देखो भाई, अभी मेन कैमरा निकालता हूं, बाकी उसके बाद दिखाता हूं आपको आगे यहाँ के सीन। ये देखो ये गगवारसू वैली का सबसे बड़ा टॉप है, जहाँ से कि नीचे का भी एरिया पूरा दिखता है और ऊपर का एरिया पूरा कंप्लीट दिखता है यहाँ से। तो फाइनली वीडियो की शूटिंग तो हो चुकी है, अब इसके बाद चलते हैं नीचे जहां हम बकरियों में आ रखे हैं, मंदिर में जाते हैं वहां पर, और वहां आगे का प्रोग्राम देखते हैं। निकल चुका उस पर कुमरे लग चुके हैं, अत्तर धुंध कुमरे लगे हैं उस पर, तो वो नीचे बैठ के दोनों के दोनों आराम से निकालेंगे, क्योंकि उसने मेरी हेल्प करी है तो मैं उसकी हेल्प करूँगा, है ना। यहाँ पर हवा चल रही है, बहुत ही सुहानी हवा चल रही है, कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है, इसलिए बहुत बेटर लग रहा है यहाँ पर आके। बैकग्राउंड में आप मौसम देख ही रहे होंगे, बिल्कुल ऑसम वाला मौसम हो रखा है, उसके बारे में तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है यार। तो गाइस इस समय ना मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा नीचे जाते वक्त, क्योंकि यार नीचे जाते वक्त बहुत दिक्कत है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से अगर खुदा ना खासा कहीं पैर वैर फिसल गए मेरा, तो मैं मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए वीडियो में सीधा आपको वहीं पर मिलूंगा मंदिर के सामने, तो चलते हैं फिर वहीं पर मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली मैं अपनी जगह पे पहुंच चुका हूं, जहां से हम निकले थे, यहां से ये हमारा मंदिर है, यहां से निकले थे हम उस टॉप पे, ये वाला टॉप है जो सबसे ऊपर वाला, ये वाला टॉप। तो वहां से अभी नीचे आ चुका हूं, और यहां पर आप देख रहे होंगे केतली रखी हुई हमने, अब चूल्हे पे आग उग जलाते हैं और चाय बनाने का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अभी चाय भाई आ रहा है उधर से, तो भाई लेके आएगा चाय पत्ती चीनी दूध। प्रोग्राम में आप देखो हमारा आज केतली रखी है हमारी, और ये चूल्हा है हमारा लगा रखा, थोड़ा बहुत लकड़ियाँ हैं ये, तो करते हैं स्टार्ट, चाय बनाते हैं और सारे के सारे लोग चाय चुई पियेंगे और उसके बाद घर की तरफ निकल जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, अभी चाय बनाते हैं, कैसे कैसे चाय बनती है तो सारा का सारा आपको वीडियो में बताते रहेंगे। तो टी ब्रेक का एंजॉय लेते हैं हम यहाँ पर। तो फाइनली हम यहां से निकल रहे हैं घर की तरफ,
और सारे के सारे लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और अब मैं भी निकलता हूँ, लास्ट में मैं ही बचा हूँ। अब इसके बाद घर निकलते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं फिर आगे और मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।